जो हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फिर वागुरा, क्रीरी और फिर उड़ी पर भी आएंगे। तो ये सोपोर हल्के इंतखाब का नतीजा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, पॉलिटिकल सर्वे यहां पर क्या कुछ है सोपोर के अंदर, फटाफट से आपके सामने रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, बीजेपी और इंडिपेंडेंट, क्या कुछ हो सकता है यहां पर सोपोर के अंदर। तो फटाफट से ये नतीजे आपके सामने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 पर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यहां पर बहुत पीछे 9, AIP 5 पर, कांग्रेस का कड़ा मुकाबला यहां पर दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 20 पर है वो, PC 4, DAP 1, BJP 1 और आजाद उम्मीदवार 25 पर। यानी अगर यहां से इंडिपेंडेंट कोई खड़ा उठता है, जो लोगों का मानना है, वो सबसे सख्त मुकाबला दे सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी, वो सख्त मुकाबला दे सकता है कांग्रेस को भी। यानी कुल मिलाकर तिकोनी मुकाबला, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, एक तरफ से कांग्रेस होगा और सोपोर आते आते एक तरफ से आजाद उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं। बाकी पार्टियां कितना इसमें बेंड कर पाएंगी, एक बड़ा सवाल होगा। एप्पल टाउन सोपोर, जहां कल तक बायकॉट होता था, असेंबली के इलेक्शंस में बहुत कम वोटिंग होती थी, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हवा बदली है, हालात बदले हैं और हमारे 18 सवालों का जवाब कुछ इस तरीके का आया। उसके बाद वागुरा क्रीरी, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी हदबंदी के बाद बनी है वागुरा क्रीरी, और यहां पर भी पार्टियों की फहरिस्त आपके सामने, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, अपनी पार्टी, BJP, DAP और AIP, नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 पर, PDP 28 पर। ये वागुरा क्रीरी के अंदर एक वाजिया फर्क दिखेगा आपको एंटायर के अंदर, PDP 28 पर है, PC 2.6%, कांग्रेस 20, अपनी 6%, BJP कुछ भी नहीं, DAP कुछ भी नहीं और AIP 2 पर है। ये वागुरा क्रीरी सेकेंड टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि यहां पर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प है। और आखिर पर उड़ी हल्के इंतखाब, जहां से बिलोंग करते हैं डॉक्टर शफी साहब भी, इंतखाब उड़ी की कहानी भी कुछ दिलचस्प है और नतीज भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। उड़ी के अंदर क्या कुछ अवाम ने फैसला सुनाया हमारे गुलिस्तान पोलिटिकल सर्वे के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहां पर 35, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 5, PC के लिए 25, AIP 3, अपनी पार्टी 13, BJP 2, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी 30। यानी कुल मिलाकर यहां पर जो मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला होगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथ, और तीसरे नंबर पर PC होगी, फिर आगे अपनी पार्टी होगी और दीगर पार्टियां बिलतरतीब यहां पर दिखेंगी। तो ये उड़ी का नक्शा होगा हमारे पॉलिटिकल सर्वे के मुताबिक, जो अभी तक लोगों का मन है। अब सियासत में हवा बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है, हवा और सोच बहुत ज्यादा जल्दी बदलती है, लेकिन परसों तक, आज से 4 दिन पहले तक हवा किस तरीके की उड़ी की थी वो आपके सामने। डॉक्टर शफी साहब, फटाफट से सबसे पहले उड़ी पर रिएक्ट करें और उसके बाद ये जो कुल मिलाकर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का खाका हमने खींचा, लास्ट कमेंट आपका इस पूरे मामले पर। देखिए गवर साहब, सबसे पहले उड़ी की बात आपने की है तो आप